में भाजपा की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की जल्द होगी विदाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यहां कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार होगी, नीतीश की विदाई होगी, गुंडागर्दी का खात्मा होगा। वे मंदार में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। यहां बुधवार को उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ के बीच नारे लगाए और सम्मान समारोह के दौरान उनका शानदार स्वागत किया। सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष ने बौंसी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं मधुसूदन मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने संपूर्ण क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भगवान सिन्हा ने समस्त बिहार वासियों की सेवा तथा अमन शांति के साथ प्रगति पथ पर आगे ले जाने का धैर्य, साहस, शक्ति, विवेक और ऊर्जा प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं मधुसूदन मंदिर में दर्शन पूजन से एक आत्मिक आध्यात्मिक शांति संतुष्टि प्राप्त हुई है। इनकी कृपा से हम नित्य कृतार्थ होते हैं। जो कुछ भी हम सब सकारात्मक कर पाते हैं सब इनका ही आशीर्वाद है। प्रदेश अध्यक्ष बोले, लगातार मिल रहे प्रेम से अभिभूत हूँ। उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी का प्यार और अपनत्व ही हमारी पूंजी है। सभी के द्वारा लगातार मिल रहे प्रेम से अभिभूत हूँ। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा 90 किलो लड्डू से तौला गया, तदुपरांत लड्डू को कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच वितरण कर दिया गया। मंदार में पूजा अर्चना और भ्रमण के बाद विराट विजय यात्रा के साथ वे शहर पहुंचे। शहर स्थित राजवीर होटल में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ शानदार स्वागत किया। अंग वस्त्र भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री से बांका के विधायक राम नारायण मंडल, कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, जमुई विधायक श्रीयसी सिंह, कहलगांव विधायक पवन यादव, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुमन सौरभ मौर्य, एमएलसी एनके यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर प्रशांत विक्रम, जिला अध्यक्ष विक्की मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष विकास सिंह, पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य की सभी सीटों पर जीत का किया दावा। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष समर चौधरी के जिला दौरा कार्यक्रम के दौरान अमरपुर के सापुर चौक पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मौके पर जिला परिषद सुजाता वैद्य ने प्रदेश अध्यक्ष को अंगवस्त्र व बुके देकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी के नाम सापुर चौक पर नारे लगाए। कार्यक्रम में जदयू एवं राजद के अधिकतर कार्यकर्ताओं को देख आम लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। मौके पर प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि पूरे बिहार समेत देश में भाजपा की लहर है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बांका जिला समेत बिहार की सभी सीटों पर भाजपा फतेह करेगी। इस अवसर पर मिथिलेश कुशवाहा, सुनील वैद्य, प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू साह, पंकज दास, ललन शर्मा, लोकनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य रॉबिन वैद्य, अरुण मंडल, नकुल कापरी, कमल वैद्य, शिवशंकर वैद्य, सैंपू देवी, पंकज कुमार, प्रदीप आदि लोग मौजूद थे।